गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वंस अगेन दिस इज रेनु तंबोली फ्रॉम एलटीएस. सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फीलिंग हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम. सो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डू एक्सरसाइज नंबर 2, विच इज कौन से चैप्टर की है? ये सेकेंड चैप्टर की है, ठीक है. एडिशन, एडिशन ऑफ द 3 नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. मतलब एडिशन कर रहे हैं हम, वो क्या होगी? 3 नंबर्स पे डिपेंड होगी. मतलब कि जैसे कि नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर्स, देयर सम्स डज नॉट चेंज. हम एडिशंस को कितने भी ऑर्डर्स में हम उसको एड करें, बट उनका जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा. जैसे कि 2 नंबर्स वाले भी एडिशन होते हैं, उनका भी हम अगर ऐड करेंगे तो आंसर सेम होगा. अगर उसी एडिशन को हम 3 नंबर्स के थ्रू यूज करके फिर सॉल्व करें तो भी सम होगा, वो चेंज नहीं होगा. हाउ इट इज पॉसिबल मैम, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ. ओके, जस्ट वेट. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट टू अंडरस्टूड एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. So here I'm going to write down some examples of the addition. जैसे कि पहले लिखते हैं 100 tens ones. 100, T that means tens, O मतलब ones. Okay. Next, write here 3, 1, 2, 2. 3 के नीचे 2 लिखना है, 1 के नीचे 2 लिखना है, और 2 के नीचे 1. अब इसको ऐड करना है, अभी नहीं करेंगे, एक बार वेट करो आप, ठीक है. अब देखो दूसरे साइड एक और एडिशन लिख रही हूं मैं, 100 tens ones. अब ये सिर्फ छोड़ दो ऊपर वाली, नीचे से लिखना है 1 3 0. अब क्या करना है, इसके नीचे लाइन अपने को मेक करनी है, लाइन बना देते हैं. ठीक है बेटा, अब ये एडिशन का साइन लगाया मैंने. अब सॉल्व करते हैं पहले ये. अब देखो इसको कैसे करना है. पहले जो फर्स्ट एडिशन है ना, इसको ऐड करना है, टोटल करना है. टोटल करने के बाद में इसका जो नीचे आंसर आएगा ना, उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे. पहले 2 है तो 2 लाइंस कर दी, 1 है तो 1. नाउ स्टार्ट टू काउंट दीज लाइंस, 1 2 3. What will be come here? 3. 1 or 2? Line कर दी. अब count करो, 1 2 3. क्या आया answer? 3. Next, write here. Make here 3 lines. ठीक है? और नीचे 2 line. All right. Now count it. 1 2 3 4 5. What will be comes here? 5. 553 will be answer. अब देखो क्या करना है, जो 553 आया है ना, इसे यहाँ लिखना है, ठीक है. ये है 3 नंबर एडिशन, समझे. लिखो यहाँ पे 5. ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इसी पे बेस्ड है. यहाँ पे लिख दिया 5 3 3. जो नीचे आंसर आया फर्स्ट एडिशन, वो यहाँ ऊपर लिख दिया. अब ऐड करना है, देखो इसे 0 3. ऊपर 3 है, नीचे 0 है, तो 3 का 3 लाइन मेक करने की जरूरत है नहीं. ऊपर 3 है, नीचे 3 है, तो 3 + 3 लाइंस मेक करनी है. 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. क्या आया? 6 आया. ऊपर 5. 1 2 3 4 5 1. अब इसको ऐड किया, 1 2 3 4 5 6. क्या आया? 6 आया. समझे मेरी बात? अब नेक्स्ट, यस. नाउ सी, ये एक पैटर्न है. अब इसी के थ्रू एक और पैटर्न को हम समझते हैं एज एग्जांपल, और देखना आप कि उनका आंसर सेम आता है कि नहीं. देखो पहले ये लिख दिया हमने 100 tens ones. अब नेक्स्ट लिख दो, देखो क्या लिखोगे. 3 1 2 312 लिख दिया आपने. अब क्या लिखोगे आप? 221.
अब क्या लिखना है बताओ? जो आंसर आया था ना, ये 130, हाँ 130 लिखा। अब देखो इन तीनों को ऐड करोगे आप, फिर क्या आता है? फिर आंसर सेम आता है कि नहीं? देखो आप, 1 2 1, नीचे 0 है तो लाइन करने की जरूरत नहीं है। 3 1 2 3, 3 का 3। अब ऊपर 1 है तो 1 लाइन, 2 लिखा है तो 2 लाइन, 3 लिखा है तो 3 लाइंस। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आया? 6। ऊपर 3 है तो 3 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 1 है तो 1। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, लिख दो 6। अब देखो बेटा, कंपेयर करो, यहाँ पे भी 663 आंसर है, यहाँ पे भी 663 आंसर है, दोनों का आंसर सेम है। बट नोटेड वन थिंग इन योर माइंड, विच इज क्या है, दोनों का पैटर्न अलग होने के बावजूद भी आंसर सेम है। या तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला एक ये डिजिट नंबर, और जो ऊपर वाला है ये नीचे वाला 130 जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, आपने उसको ऐड किया तो भी आंसर 663 आया, और दोनों का जो फर्स्ट वाला एडिशन का जो आंसर था उसको सेकंड एडिशन में ऊपर लिखा तो भी आंसर 663 आया। बात आई समझ में? या तो इस पैटर्न से करो या इस पैटर्न से करो। आपको कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, जैसा क्वेश्चन पूछे उस पैटर्न में आपको चलना है। आपको बात समझ में आई? मैम ने एग्जांपल क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 2 हम स्टार्ट करेंगे ना, वो पूरी इसी बेस्ड पे है। कुछ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे एक्सरसाइज में, और कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मेट में आपको पूछेंगे। बात समझ में आई? अब देखो, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, लेट्स गेट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देखो कैसे होना है। एट 130, 221 एंड 312, इन तीनों को ऐड करना है। ऐड कर रहे हैं, देखो कैसे होगा। 130 और 221 को ऐड करेंगे पहले, जैसे कि आप इधर देखो, 130 221 को ऐड किया, आंसर आया 351। अब जो आंसर आया, ये रेड लाइन देखो, आंसर को लिखा नीचे वाले सम में, लिख के फिर ऊपर देखो 312 था ना पर एग्जाम्पल में, इसको लिखा है नीचे, ये पहले से लिखा होगा, आपको सिर्फ आंसर को 351 लिखना है और ऐड करना है इसमें। 1 + 2 = 3, 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6, और इन दोनों का मिला के एड ऑल द 3 नंबर्स टुगेदर, तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 130 लिखा, 221 लिखा और 312 लिखा, जो ऊपर वाली चीजें हैं इन तीनों को भी साथ में लिखा, तब भी आंसर क्या आया है? 663, as you can see on the screen. Whenever we add any 2 numbers and add all the 3 numbers, their answer will be same. Their sum does not change. ठीक है? आप ऐसे करोगे ना, जब 2 नंबर्स को भी ऐड करोगे और उसके क्वेश्चन के 3 नंबर्स को भी ऐड करोगे तो उनका आंसर सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया? सो बेटा, आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेज क्लास, एंड सेकंड एक्सरसाइज वी विल बी डिस्कस अबाउट टुमारो। ओके, सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।